सभी को प्रणाम। मैं आर के राजवंशी। बीज दान मुहिम में एक कदम और आगे बढ़े हैं हम। ये जो फल देख रहे हैं आप, ये गुलर का फल है, जिसको बोला जाता है कि भूख में गुलर पकवान। ये पुरातन कहावत है, लेकिन मैं इसको कहूँगा ये गरीबों का अंजीर है। और जो गुलर आप मेरी हथेली पर देख रहे हैं, ये ऐसी प्रजाति है जो आजकल विलुप्त होती जा रही है, बहुत कम देखने को मिलता है। और इस पौधे की मैं बहुत तलाश में था कि मुझे ये प्रजाति वाला गुलर मिले, तो ढूंढते ढूंढते कहीं मुझे मिल गया ये। तो आज मैं वहाँ से बीज लेकर आया हूँ, कुछ सूखे हैं, उसकी फ़ोटो मैं बाद में डालूँगा। तो इसका बीज बनाया जाएगा और इसको उगाने का तरीका कुछ अलग होता है। कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं, जैसे आपका खजूर है, बीज बहुत हार्ड होता है, पीपल है, बरगद है, ये काफ़ी हार्ड बीज होते हैं। यानी कि अगर इस एक को तोड़ा जाए तो इसमें मैं मानता हूँ कि 100 के आसपास बीज मिल जाएंगे एक गुलर के अंदर। तो इसको उगाने का तरीका ये होता है कि जो मैंने पढ़ा था किसी पुरातन किताब में कि ये बहुत गर्मी चाहिए इनको उगने के लिए, या गर्भ की गर्मी चाहिए। गर्भ की गर्मी मतलब जैसे चिड़िया वगैरह, तोता वगैरह जो खाते हैं इसको, और उसके बाद वो कहीं भी जाके बीट करते हैं तो वहाँ पे ये उगाता है। यानी कि इसको हीट चाहिए होती है शरीर की, गर्भ की गर्मी इसको बोलते हैं। तो इसको उगाने का तरीका ये हो सकता है, जैसे ये सूख जाएंगे और सूखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कूट के बीज कर लूँगा और किसी गाय को खिलाएंगे रोटी में मिला के, और गाय जो गोबर करेगी उस गोबर से जो बीज निकलेगा वो उग सकता है, शायद वो पेड़ बन सकता है, ऐसी संभावना है। और कभी कभी वैसे भी उग जाता है, प्रकृति की अपनी नियति है, वो कैसे चलती है, उसमें ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उगाने का तरीका मुझे जो उस किताब में था वो मैंने आप लोगों को बतला दिया है। आइए बीजदान मुहिम में अपना सहयोग दें।